सोने की जरा नथ चढ़ाई गई सैंती के मंदिर च, इन्होंने वालों चांदी के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं और कहते साडा कुछ नहीं है, जनता का ही है, श्रद्धालुओं का ही है, श्रद्धालुओं को जरा असी वापस कर रहे हैं। ये हम लोग श्री महाकाल जी की सेवा करते हैं, हर साल यात्रा निकालते हैं। पहले हमारी सेक्टर 25 शमशान घाट से होती थी, इस बार हमने डड्डू माजरा से सेक्टर 37 में। अभी माता रानी को गोल्ड की नथ गिफ्ट करी है और करके आ रहे हैं। हाँ जी, अभी 37 में इन्होंने गोल्ड की नथ गिफ्ट करी है। क्या आया था मन में कि आपने गोल्ड की नथ है जो सोने की नथ? हमने इसलिए करी है कि इस टाइम हमारे चंडीगढ़ में चारों पर से पंजाब में पूरे वो आ रखा है पानी का, तो हम लोगों ने दुआ करी थी कि हमारा चंडीगढ़ सुरक्षित रहे, हमारा जजमान राजी रहे, तो हम लोग आके माता के सोने की नथ चढ़ाएंगे। जैसे महाराजा रणजीत सिंह के वहाँ पे नथ और चूड़ा दिया जाता है पटियाला में, तो इसीलिए हमने भी एक सुख सुखी थी कि हमारे चंडीगढ़ को कहीं भी चारों तरफ से पानी ना आए, कहीं कोई खतरा ना हो। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु होते हैं उनमें बड़ी उत्सुकता हो जाती है, अभी सोने और चांदी के चढ़ा रहे हो नथ, तो कितना वजन है, बंदा कहता कितने पैसे की आई होगी? ये आप लोगों का दिया हुआ है महाराज, सिर्फ जजमानों का, हमारा दिया हुआ कुछ नहीं है, आप लोगों का दिया हुआ है। आपके बच्चे राजी रहे, आपकी कमाइयों में बरकत डाले, तुम बने रहो तो हम भी आपके साथ हैं। और मैं ये चाहती हूँ आज जितना भी सब कुछ ये करा है सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है, कि सबके कृपा बनी रहे, सब पे उनकी कृपा बनी रहे, माता रानी हमेशा प्रसन्न रहे, मेरे भगवान मेरी देवी देवता जितने भी हैं उनकी असीम कृपा सब पे बनी रहे। क्या लगता है कि भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना, आप उनको ये अपॉइंट कर रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हो जनता का ही है, श्रद्धालुओं का ही है? हमें तो बनाया ही भगवान ने दुआ के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बनाया हमें, भला करने के लिए। हाँ जी, भला करने के लिए। राजे महाराजे तो नहीं रहे लेकिन हम मन के राजे जरूर हैं, दिल के, दिल के, दिल से और मन से राजे लोग हैं हम लोग। PGI में भी हमारे किन्नर समाज के लोग लंगर लगाते हैं, मनसा देवी में भी लगाते हैं, सेक्टर 16 और 32 के भी बाहर। चांदी के मुकुट अज सैक्टर 38 के मंदिर विखे शिव परिवार को चढ़ाए जाने, भाव भगवान शिव, उन्होंने धर्म पत्नी पार्वती, उन्होंने पुत्र गणेश, उन्होंने पुत्र कार्तिके, ये चांदी के मुकुट ने जिहड़े महामंडलेश्वर महंत सोनाक्षी जी वालों चढ़ाए जा रहे हैं अज शिवरात्रि के मौके पर सैक्टर 38 के मंदिर तो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो गल करिए, आस्था की गल करिए, किसी मंदिर च सोने के मुकुट चढ़ाए जाते हैं तो किसी मंदिर च चांदी के मुकुट, अज चांदी के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं शिव परिवार को। और आम तौर पर गल करिए 77,500 रुपये किलो का रेट है चांदी का, जो किलो तुम लैनी हो तो उही गल है, जिते आस्था आ जाए श्रद्धा आ जाए तो यह गल्ला मायने रखदिया, पैसा किन्ना कोई किन्ना भगवान प्रति अपनी आस्था श्रद्धा को प्रगट करता है। किवें लोग यात्रा जी अज शुरू हुई, यात्रा की खासियत की है, सैक्टर 25 चंडीगढ़ के शमशान घाट तो
शिव मंदिर तो यात्रा निकली सैक्टर 37 के मंदिर तो होंदे सैक्टर 38 के मंदिर पहुंची है, शमशान घाट तो यात्रा शुरू करके क्योंकि भगवान शिव का वास हरेक जगह हैगा अजिहा मन्या जांदा है। वो करन तो बाद यात्रा सैक्टर 38 के मंदिर च पहुंची है, भगवान प्रभु शिव का गुणगान करते हुए तो हुण दर्शन किए जा रहे हैं। जोत उन्हां दी बलदी पी है, फुलों के हार नाल स्वागत किया जा रहा है, जिहड़े ये मुकुट आए ने पालकी दे विच सवार हो के महंत सोनाक्षी चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर विखे मौजूद हाँ। अज किन्नर समाज वालों चांदी के मुकट जिहड़े हैगे ने शिव परिवार को भेंट किए जा रहे हैं। भगवान शिव उन्हां दी धर्म पत्नी अपना पार्वती सपुत्र गणेश सपुत्र कार्तिकेय किन्नर समाज साडे नाल है, यात्रा कड्डी है तो क्या आया था मन में आपके, हमने शिव परिवार को चांदी के मुकुट भेंट करने हैं, कैसे मन में आया ये? हम लोग श्री महाकाल जी की सेवा करते हैं, हर साल यात्रा निकालते हैं। पहले हमारी सेक्टर 25 शमशान घाट से होती थी, इस बार हमने डड्डू माजरा से सेक्टर 37 में, ये मेरे रवीना महंत जी हैं, मेरी बहन है ये, इन्होंने सेक्टर 37 में अभी माता रानी को गोल्ड की नथ गिफ्ट करी है और करके आ रहे हैं। हाँ जी, अभी 37 में इन्होंने गोल्ड की नथ गिफ्ट करी है और महाकाल जी के नाम से एक घंटा, बड़े वाला पीतल का घंटा इन्होंने उनको गिफ्ट किया। क्या आया था मन में कि आपने गोल्ड की नथ है जो सोने की नथ हमने इसलिए करी है कि इस टाइम हमारे चंडीगढ़ में चारों तरफ से पंजाब में पूरे वो आ रखा है पानी का, तो हम लोगों ने दुआ करी थी कि हमारा चंडीगढ़ सुरक्षित रहे, हमारा जजवान राजी रहे, तो हम लोग आगे माता के सोने की नथ चढ़ाएंगे। अच्छा। जजवानों के लिए करा है सब कुछ ये। पहली बार किया है आपने? हाँ जी पहली बार किया है। हाँ जी करते रहते हैं वैसे तो। अच्छा, ये बाढ़ के कारण पहली बार करा है जी। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह के वहाँ पे नथ और चूड़ा दिया जाता है पटियाला में, तो इसीलिए हमने भी एक सुखी थी कि हमारे चंडीगढ़ को कहीं भी चारों तरफ से पानी ना आए, कहीं कोई खतरा ना हो, तो वो खतरा टल गया। तो इस खुशी में इन्होंने यहाँ पे सेक्टर 37 सनातन धर्म मंदिर में माता रानी शेरावाली को गोल्ड की नथ गिफ्ट करी है और महादेव को घंटा अर्पण करा। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु होते हैं उनमें बड़ी उत्सुकता हो जाती है, अभी सोने और चांदी के चढ़ा रहे हो नथ तो कितना वजन है, बंदा कहता कितने पैसे की आई होगी, ये सवाल श्रद्धालुओं के मन में। ये देखिए ये गुप्त दान होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। हाँ जी, इसके बारे में नहीं हम कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा। ये आप लोगों का दिया हुआ है महाराज को, जजमानों का, हमारा दिया हुआ कुछ नहीं है, आप लोगों का दिया हुआ है, आपके बच्चे राजी रहे, आपकी कमाइयों में बरकत डाले, तुम बने रहो तो हम भी आपके साथ हैं जी, जी। आपके बच्चों का करते हैं हम सब, हमारा कुछ नहीं है, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जय साईं राम, जय श्री महाकाल। आज महाकाल जी की पालकी आई है, ये मेरे सोनाक्षी महंत जी हैं, ये मेरे रवीना महंत जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम इनके छत्र छाया में हैं, हम सब इनके चेले हैं और मैं ये चाहती हूँ आज जितना भी सब कुछ ये करा है सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है, वरना हमारी क्या औकात थी। आपके वो बाल साईं जी नजर नहीं आ रहे आज? वो आज नहीं आए हैं। अच्छा। आज उनको थोड़ा सा बुखार था इसलिए मैं उनको लेके नहीं आई हूँ, मेरे जो साहिब है साईं जी का रूप है वो आज आए नहीं है जी, जी। हाँ जी, तो मैं गुरुजी के साथ आई हूँ यहाँ पे 38 के मंदिर में, अभी 37 के मंदिर में सनातन धर्म मंदिर में रवीना जी ने घंटा चढ़ाया है, माता रानी को नथ पहनाई है, गोल्ड की नथ इन्होंने अर्पण करी है, छोटी सी एक भेंट दी है वहाँ पे कि सबकी कृपा बनी रहे, सब पे उनकी कृपा बनी रहे, माता रानी हमेशा प्रसन्न रहे, मेरे भगवान मेरी देवी देवता जितने भी हैं उनकी असीम कृपा सब पे बनी रहे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, बच्चे वालों के बच्चे जिए, कमाई वालों की कमाई में वादा पड़े, हमेशा निरोग काया रहे। क्या लगता है कि भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना, आप उनको ये भेंट कर रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हो जनता का ही है श्रद्धालुओं का ही है, चुना आपको गया इस कार्य के लिए, कैसा महसूस करते हैं? हम तो बना ही लोगों की दुआ के लिए हैं, हमें तो बनाया ही भगवान ने दुआ के लिए है,
लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बनाया हमें, भला करने के लिए। हाँ जी, भला करने के लिए। जैसे पहले महाराजा राजा लोग होते थे, वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किया करते थे, और आजकल राजे महाराजे तो नहीं रहे, लेकिन हम मन के राजे जरूर हैं। दिल के, दिल के, दिल से और मन से राजे लोग हैं हम लोग। आप लोगों से हम लोग लेते हैं, और ऐसे ही लंगर भंडारा सब जगह चलता रहता है। पीजीआई में भी हमारे किन्नर समाज के लोग लंगर लगाते हैं, मनसा देवी में भी लगाते हैं, सेक्टर 16 और 32 के भी बाहर, और गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं हम लोग। जो लड़कियाँ सिलाई नहीं सीखती उनको सिलाई के लिए हमने समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा, तो एक किन्नर समाज है चंडीगढ़ का, जिम्मे गल की है, इन्हों वालों सोने की जड़ा नत्थ चढ़ाएगी सैंती के मंदिर, इन्होंने वालों चांदी के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं, और कहते साडा कुछ नहीं है, जनता का ही है, श्रद्धालुओं का ही है, श्रद्धालुओं जरा असी वापस कर रहे हैं। बिल्कुल, सो प्रधान जी की कहना चाहोगे मंदिर च किन्नर समाज ने जरा यह किया? किन्नर समाज हमारे मंदिर के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, और जो ये महाकाल की पालकी लेकर आए हैं उनके लिए हम इनको बधाई देते हैं, और ये हमारे मंदिर के लिए तत्पर रहते हैं जी। और पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे मंदिर में 9 नत्थे चढ़ाई थी, सॉरी 7 नत्थे चढ़ाई थी, जो डिफरेंट देवी देवताओं के लिए, देवियों के लिए। फिर एक घंटा ये लगा हुआ, ये भी इन्होंने दिया, और भी हमारे इन्होंने छतर जो है ना हमारे देवी देवताओं के ऊपर, उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं, और हमारे मंदिर के लिए ये बहुत प्रोग्रेस करने के लिए बहुत दान और सब कुछ कर रहे हैं जी। ठीक है, सो एक बार फिर थानू मंदिर का दृश्य दिखावांगे। किन्नर समाज अज इत्थे आ के बैठा होया सैक्टर 37 तो बाद 38 दे मंदिर दे विच, 37 दे मंदिर दे विच सोने की नत्थ चढ़ाई गई है, 38 दे मंदिर दे विच चांदी के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं। रज पुज के अपने वालों फिर ये भी कहते हैं कि साडा कुछ नहीं है, संगत का ही दिता होया है, तो भला करने लिए सानू परमात्मा ने चुनिया, इस करके जड़ा असी धन्यवादी है। पर महात्मा दे एक बार तुम दिखावगा कि यह पालकी दे विच यात्रा आई है, जिस चो चांदी के मुकुट है चढ़ाए जाएंगे शिव परिवार को। इस तो पहला जो गल करिए भगवान साईं दे जन्मदिन पर अपना 26 तोले का सोने का मुकुट चढ़ाया जाता है, 20 लाख रुपए कीमत है। 9 नत्थ पहला भी किन्नर समाज इस मंदिर के वक्ख वक्ख समय दौरान सोने दिया जिहड़ा हैगा चढ़ा चुका है, 7 नत्था एक वड्डा घंटा, तो अज शिव परिवार को चांदी के मुकुट 37 मंदिर से 37 मंदिर से सोने की नत्थ चढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं की आस्था प्यार थानू इत्थे देखने जिहड़ा मिल रहा उसकी कोई भी कीमत नहीं कही जा सकती। विजय मोहन के नाल बलजीत मरवाहा, चंडीगढ़।